आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है कश्मीर में और हम लोग को निकलना था सुबह 9 बजे और अभी के बजे 11-12 बजे के आसपास अभी हो रहा है अप्रॉक्स तो नहीं लेकिन एज्यूम 11:15 के आसपास हाँ 11:20 अभी हो रहा है और हम लोग को पहुँचना है आज पहलगाम पहुँच के गुलमर्ग जाना है और हम लोग को सुबह निकलना था 8 बजे कि हम लोग वहाँ 11-12 बजे तक पहुँच जाते हैं क्योंकि कश्मीर की मौसम कश्मीर का ट्रैफिक कभी भी बदल सकता है भाई कभी भी ऐसा नहीं कि अभी सही है तो फिर रश हो जाएगा ये वो कभी भी बदल सकता है यहाँ माहौल मौसम ट्रैफिक मग जा रहे हैं तो सभी को मेरा सलाम आदर आदाब अभिनंदन आभार कहते हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन गर्मी सा महसूस हो रहा था और जाते जाते अभी हम लोग को महसूस हो रहा है कि ठंड यहाँ पर देख सकते हैं ये सब बारिश हो रही है अभी बारिश हो ही रही है धीमी धीमी हाँ तो भाई साहब अभी 50-60 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी रुकी है और अभी हम जाएंगे ATM क्योंकि अराउंड 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक ATM था वो भी PNB का फिर जम्मू एंड कश्मीर का फिर ATM था मुझे SBI का चाहिए था तो पीछे मिला है और यहाँ से अभी हम जा रहे कुछ कैश निकालने हाँ तो फाइनली अब हम जा रहे गाड़ी में और जो निकालना था पैसे वैसे थोड़े बहुत जो भी मतलब कैश निकाल लिए हैं लोग कहते हैं इस जंगल में अभी भी शेर भालू और टाइगर ये सब रहते हैं यहाँ इस जंगल में और कभी कभी ये बाहर भी आ जाते हैं इस रोड पर और यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई अभी हम लोग टैनमार्ग में हैं और हम लोग जा रहे हैं पहलगाम और टैनमार्ग ये है यहाँ से 120-130 किलोमीटर या शायद 150 के आसपास सोनमार्ग होगा हम लोग गुलमर्ग जा रहे हैं ओह सॉरी पहलगाम नहीं जा रहे हैं हम कंफ्यूज है गुलमर्ग अभी सोनमर्ग में है पूरी कश्मीर नज़र आती होगी पूरी कश्मीर और गुलमर्ग जो है वो कश्मीर नीचे है गुलमर्ग ऊपर है ना शाकिर भाई हाँ 3000 altitude 3000 आप मत बोलिए मेरे ब्लॉग में तुम उसको डिलीट कर देना ठीक है 3000 altitude पे अभी हम लोग हैं और अभी ऊपर हम लोग को जाना है फिर वहाँ से हम लोग वो ट्रॉली होता है क्या होता है वो गुंडोला गुंडोला पास जाना है अभी हम लोग को वाया ट्रॉली एक ट्रॉली होता है लिफ्ट वाला उससे जाएंगे फाइनली हम लोग पहलगाम पहुंच चुके हैं और गुलमर्ग सॉरी पहलगाम और गुलमर्ग में हम लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हम लोग गुलमर्ग आ चुके हैं और यहाँ भेड़ की खेती होती है मतलब इन लोग इससे रोजी रोटी इन लोग का चलता है इन लोग का घर इसी से चलता है ये भेड़ पालन पोषण होता है इन लोग का फिर इससे जो बच्चे होते हैं फिर इसी टाइप से मतलब एक आदमी के पास 3000-4000 भेड़ रहते हैं और भेड़ यहाँ के अलावा कहीं और इतने ज़्यादा तादाद में नहीं हो सकते हैं तो हम लोग इस वाले घोड़े को लेंगे और ऊपर की तरफ राइड हाँ हम लोगों ने 8-7 घोड़ा नहीं लिया 3 घोड़ा लिया दूर दूर तक दिख नहीं रहा था कैसे बोल रहा है कि बगल में गंडोला पास इसी आसपास में है ठीक है तो अभी हम लोग ऐसे जा रहे सारे तरफ घोड़े यहाँ बहुत ब्रोकरेज होते हैं ब्रोकर यहाँ बहुत ज़्यादा है ठीक है हर एक चीज़ में यहाँ ब्रोकर है अगर आप ड्राई फ्रूट भी लेंगे उसमें भी ब्रोकर है इसलिए आज हम लोगों ने फंसे नहीं एक घोड़ा का इन लोगों ने बोला था 1700 इन लोगों ने एक घोड़ा दिया 300 रुपये का तो आप लोग ख्याल रखें कि जब भी आए बार्गेनिंग अच्छे से करें गंडोला पास आ गए हैं गंडोला पास इन द सेंस मतलब ये रोप वे है यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ गंडोला पास जो है मुझे उसका नाम पूछना होगा गंडोला पास क्या है जहाँ जा रहे ऊपर फर्स्ट फेज का नाम अफरवट और सेकंड का नाम है अपरवट तो अभी अफरवट पे हम लोग जा रहे हैं तुम हॉर्स पे बैठोगी नो चलो तभी हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं ये कुछ अंदर की फेज है उसके बाद यहाँ टिकट इंक्वायरी होगी मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमारी एंट्री होगी और देन यहाँ टिकट चेक होगा हमारा फिर उसके बाद हम वहाँ जाएंगे अंदर की तरफ फिर रोपवे में हमको एंट्री मिलेगी
अगर हम लोग सेवन है तो हमारे पीछे केबल कार है, ये हम लोग यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर आसपास ऊपर की तरफ ले जाएगी, वहाँ से फिर रिटर्न लेके आएगी। जब यहाँ बर्फबारी होता है तब नीचे का वाइब्स अलग होता है। अभी तो ग्रीनरी दिखेगा, मतलब हर चीज़ हरा भरा, वो तो नॉर्मल है, लेकिन कश्मीर आए और बर्फ ना मिले तो हो नहीं सकता, मज़ा ही नहीं आता है। अभी तक तो हम लोग को मिला नहीं है, सिर्फ ठंड महसूस हो रही है। दिल्ली तो फाइनली हमारी माशाल्लाह राइड स्टार्ट हो गई है। और ये जो केबिन कार है, काफी ज्यादा ही मजा आ रहा है इस पे। जब अगर विंटर में हम लोग आते हैं और स्नोफॉल हुआ रहता है तो नीचे जितनी भी ग्रीनरी है, ग्रीनरी दिखाएं थोड़ा, ये सारी ग्रीनरी हमारी बर्फ से छिप जाती है और जितने पेड़ है उसके ऊपर सारे बर्फ जमे रहते हैं। जैसा हम लोगों ने मनाली में देखा, तो मनाली जो है वो इससे ज्यादा ऊंचे पहाड़ पे है, तो वहाँ हर टाइम हम लोग को मिलेगा बर्फ। सोलांग वैली, रोहतांग में ये सब में मिलेगा वहाँ, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ हरी भरी आबादी है। और ऊपर आने के बाद का सीन है, सब लोग कह रहे हैं सेकंड फेज जाने, सेकंड फेज बाखुदा हम तो नहीं जाने वाले हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ इतना ठंड महसूस हो रहा है। ऊपर में तो सिर्फ बादल नजर आ रहे हैं, ये ऊपर में पूरे बादल हैं, पूरे बादल। बारिश आ गई, अब हम लोग वापस से नीचे चल रहे हैं, क्योंकि ये रोपवे लेक के भी आता है और लेक के भी जाता है। ये पुराना वाला रोपवे है, ये जो देख रहे हैं आप, ये पुराना वाला रोपवे है, इसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और ये नया वाली जो केबिन वाला है वो चल रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये नाक से पता चल रहा है। आजा। रियली रियली सॉरी, मेरी तबीयत यहाँ नासाज हो गई है। पिछले 6 घंटे से हमने व्लॉग रोक रखा है, कोई व्लॉगिंग नहीं किया, और अभी हम लोग हाउस बोट में आ रखे हैं। और हाउस बोट में आने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि इन्जॉयमेंट करें, लेकिन हम लोगों से एक गलती हो गई, जो शायद कि आप मेरे व्लॉग देखें तो कश्मीर आके ये गलती ना करें, जिस दिन हाउस बोट लें उस दिन हाउस बोट में ही पूरे दिन रहें। यहाँ के जो मज़े हैं, यहाँ की जो फीलिंग है, ये बाहर में कुछ है ही नहीं। तो हाउस बोट आएँ तो पूरा दिन हाउस बोट पर रहें और उस दिन बाहर का कोई सीन ना रखें, मतलब हाउस बोट के अलावा। हम लोगों ने आज गुलमर्ग कर लिया, दिन उसके बाद हाउस बोट भी आज कर लिया, तो इससे क्या है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप हाउस बोट अगर जिस दिन लें तो पूरे दिन हाउस बोट 24 घंटा आप लोग यूज़ करें, ना कि सोने का एक रूम का मज़ा लें, ऐसा नहीं। हाउस बोट का अलग ही वाइब्स है। तो चलिए फिर हाउस बोट आपको दिखाएंगे।